आज का प्रवीण है, मैं क्लास 8 से पढ़ रही हूँ और आज मैं आप लोगों के सामने तकरीर पेश करने जा रही हूँ। काम है मेरा तबय्युर, नाम है मेरा शबाब। काम है मेरा तबय्युर, नाम है मेरा शबाब। मेरा नारा इनकलाब व इनकलाब व इनकलाब। और मेरे अजीज दोस्तों, सबसे पहले आप तमाम को मेरी तरफ से उनके हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत मुबारकबाद। हजरात, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियों को पेश किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत सी मुश्किल और मसाइल का सामना किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख हड़ताल किया था और हजारों मुश्किल और मसाइल का सामना किया था। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशरफुल्लाह खान ने खुद को फांसी के फंदे से चुना। जब भगत सिंह को फांसी के फंदे में चढ़ाया गया तो उन्होंने कहा था कि अब फिर इसका खून न खोला व खून नहीं पानी है, अब फिर इसका खून न खोला व खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। बहुत से लोगों ने अपने अहम रोल अदा किए हैं। अगर हम बात करें बहादुर शाह जफर की, तो जब 1857 में बहादुर शाह जफर को रंगून की गाली मोड़ने में ढकेल गया तो अंग्रेजों ने कहा था कि दबदबे में दम नहीं है खैर मानो जान की, दबदबे में दम नहीं है खैर मानो जान की, ऐ लफड़ ठंडी हुई शमशेर हिंदुस्तान की। लफड़ ने कहा था कि गाजियों में वो रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में वो रहेगी जब तलक ईमान की, तब तय लग तक तक चलेगी शेख हिंदुस्तान की। आज हिंदुस्तान को आजाद कराने में बच्चों से लेकर बड़ों तक ने अजीम रोल अदा किया है। खुदीराम बोस 17 साल की उम्र में अपनी जान को निछावर कर रहा था। आज हर तरफ शाद मुबारकबाद दी जा रही है, जिस व्यक्ति का सबूत दिया जा रहा है, लेकिन असल देशभक्ति वो है जब एक सरकारी मुलाजमीन अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। असल देशभक्ति वो है जब एक किसान तपती हुई धूप के नीचे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अनाज को पैदा करता है। असल देशभक्ति वो है जब मुल्क हिंदुस्तान में रखने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल कर रहे और प्रेम का प्रचार करें। हमारी ये खुशकिस्मती है कि मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू भी पैदा हुआ, मुस्लिम भी पैदा हुआ, सिख भी पैदा हुआ, लेकिन हमारी ये बदकिस्मती है कि इंसानियत पैदा नहीं हुई। अगर तमाम मजाहब को भूल कर मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाले सभी कोई आपस में मिलजुल कर रहे और देश का प्रेम का प्रचार करें तो हमारा मुल्क सज जाएगा, सवर जाएगा और इसका डंका पूरे दीगर ममालिक तक पहुंचेगा। आज मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमें मुल्क का कर्ज अदा करना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, शाहबलुल्लाह, अशफाकुल्लाह खान, भगत सिंह, टीपू सुल्तान, इन सब का कर्ज अदा करना है। हमें मुल्क की जद-ए-जद की हिफाजत करनी है।